गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरी, जो कि मैं अभी मीशो से मंगाई है, रिसेंटली ऑर्डर करी है, और उनको देख के आप भी मंगा सकते हो जो आपको पसंद आए। वो कुछ होंगी जो गर्लिश लुक की होंगी और कुछ होंगी जो लेडीज़ के लिए, शादी फंक्शन फेस्टिवल वगैरह के लिए होंगी। तो मैं आपको दोनों टाइप की दिखाऊंगी। वीडियो में बने रहना और वीडियो को लाइक कर दो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो ज्वेलरी है मेरी, जो कि मेनली आपको आई थिंक बहुत पसंद आएगी, जो कि चलो अच्छा जाओ जल्दी मैंगो खा के आओ, चलो जल्दी। तो ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये है, इसकी डिटेलिंग देखना आप, बहुत ही प्यारी डिटेलिंग है इसमें। ये बीच बीच में फ्लावर टाइप है और बाकी ये एडी वाली ज्वेलरी है। एडी वाली ज्वेलरी है, ये देखो कितनी प्यारी है। ये ज्वेलरीज है और ये है इनकी इयर रिंग्स। अच्छा ये वाले इयर रिंग है इसके साथ में, इसमें भी फ्लावर दिए हुए हैं। इयर रिंग्स छोटे भी नहीं है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ठीक है। और इसमें है ये बीच बीच में फ्लावर जो है, ये ऐसे हैं। और इसके प्राइस जो हैं सेट के, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी, वो है 1392। तो ये वाला सेट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। ये किसी भी चीज़ के साथ में, मतलब लहंगे के, इवन मैंने जो डाला हुआ है अभी इंडो वेस्टर्न डाला हुआ है, तो इंडो वेस्टर्न के साथ में और इवन आपके किसी ड्रेसेस के साथ में भी ये आराम से जाएगा। बहुत ही प्यारा सेट है, मुझे बहुत पसंद आया ये। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले सेट पे, जो कि है ये बहुत ही हैवी और कुंदन का सेट है ये पूरा। और ये बहुत ही प्यारा, बहुत क्वालिटी, बहुत प्यारी है इसकी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और बहुत प्यारा सेट है। ये देखो तो मैं दिखाती हूँ इसको। इसके साथ में आपको टिक्का भी मिलेगा, ये इसका टिक्का है और ये इसके इयर रिंग्स है। ये हैवी सेट में से है, अगर आपको इवन आपकी मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, इवन आपका रिसेप्शन है या कुछ है तो आप तब भी इसको डाल सकते हो। और ये बहुत ही प्यारा सेट है, इसके खाली इयर रिंग्स आपको यूज़ करने हो, खाली इयर रिंग्स किसी ड्रेस के साथ में मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हो। तो इसके इयर रिंग भी ऐसे इस टाइप से हैं कुछ। और ये देखो इयर रिंग्स भी बड़े प्यारे हैं इसके, और इयर रिंग्स को भी खाली यूज करते। ये पूरा सेट है, हैवी कुंदन का सेट है और ये आपके किसी भी लहंगे के साथ में एकदम जाएगा। तो अगर आपको ये लेना हो आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ में आपको टिक्का भी मिलेगा, टिक्का भी दिखा देती हूँ मैं एक बार को। वैसे ये इंडो वेस्टर्न के साथ में नहीं जाएगा क्योंकि मैंने अभी इंडो वेस्टर्न नहीं पहना हुआ है और ये बिल्कुल नहीं जा रहा इसके साथ में। तो इसके साथ में ये आपको हैवी सा टिक्का भी मिलता है, जिसको आप कुछ इस टाइप से लगा सकते हो। तो ये गया इयर रिंग। तो ये इसके प्राइस है, इसके प्राइस मैं आपको बता देती हूँ पहले, 814। तो ये आपको पड़ेगा 814 का, 814 रुपये का, और जिसमें आपको टिक्का, इयर रिंग्स, हैवी नेकलेस सब कुछ मिल रहा है। तो ये A1 नेकलेस एकदम। तो चलिए अब नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, जो कि ये अमेरिकन डायमंड का है। ये है डबल लेयर में, ये देखो ये डबल लेयर में है सेट। और इसके ये कुछ इस टाइप से करके है डबल लेयर में, और ये ब्लू और वाइट इसमें अमेरिकन डायमंड लगे हुए हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ पहन के कितना प्यारा लगता है ये मैंने एक बार पहना है। तो ये वाला है सेट, देखो कितना प्यारा सेट है ना, कितना प्यारा लग रहा है। सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया ये वाला। और ये इसके इयर रिंग है, ये सिंगल लेयर में ही है, लेकिन ये वाले इसमें देखो बीच बीच में ब्लू कलर भी यूज हुआ हुआ है, जैसे नेकलेस में ना सेम इस टाइप से ही है। और ये बहुत प्यारा सेट है सच में, ये मेरा फेवरेट है। ये मैंने सिर्फ इसके डबल लेयर्स की वजह से ही मंगाया है, क्योंकि इसमें डबल लेयर थी और मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने मंगाया ये। और ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्लू के साथ ही यूज़ कर सकते हो, ये कंट्रास्ट करके भी किसी के साथ में यूज़ कर सकते हो आप। और इसके प्राइस हैं, ये मुझे मिला है
हाँ ये मुझे मिला है 1442 में, मतलब 1442 रुपये में, और इससे प्यारा सेट मतलब इतने में आपको इतना प्यारा सेट मिलेगा भी नहीं। और हाँ ये बात है कि मीशो पे मतलब बहुत सी चीज़ें गलत आ जाती हैं, बट अगर आप चेक करके अच्छे से उसके रिव्यूज़ वगैरह देख के मंगाओगे तो आपको सही चीज़ें भी मिल जाएंगी। इवन तो मैंने ये सारी जो भी मैं आपको आज ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ वो सारी मीशो की ज्वेलरी है, मीशो के ज्वेलरी सेट है सब, और बहुत ही प्यारे एक से एक सेट है। खुद बताओ 1400 रुपये में, क्योंकि मतलब मैंने जो देखा है 3-3 4-4 हज़ार रुपये मिलते हैं ऐसे सेट, तो ये मैंने 1442 में मंगाया, बहुत प्यारा सेट है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट सेट पे, जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत मिलेगा पिंक का मिक्सचर। ये है मेरा नेक्स्ट सेट और अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये भी अमेरिकन डायमंड में है और ये भी बहुत प्यारा सेट है, ये हैवी नेकलेस है ठीक है। तो और इसके साथ में इसके इयररिंग्स है ये वाले, ये हैवी सेट है और ये बहुत प्यारा सेट है, मैं आपको दिखाती हूँ देखना भी। सो ये है पिंक वाला सेट और जो कि बहुत प्यारा है, बट इसका मुझे हल्का सा लगा कि ये लूज आ रहा है हल्का सा पीछे से गले में, तो इसको आपको टकिंग करना पड़ेगा किसी तरीके से। ये इसके इयररिंग्स हैवी, बहुत ही प्यारा नेकलेस है, ये लाइट पिंक में मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा डार्क पिंक में नहीं है, बहुत लाइट सा पिंक है। और ये मुझे मिला था, ये मिला है 1055 रुपीज़ में, 1055 रुपीज़ में, और ये भी बहुत प्यारा सेट है, बहुत ही मतलब अमेरिकन डायमंड के सेट जो होते हैं उसको उनका आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है उस ज्वेलरी का, क्योंकि जो ये है ना थोड़ा सा डल पड़ जाते हैं टाइम के साथ में अगर आप इनका केयर नहीं करोगे तो इनका आपको ध्यान ही रखना पड़ता है कि आप इनको पॉलिथीन वगैरह में पैक करके रखो, या फिर जो पाउच आते हैं ना ज्वेलरी के उसमें पैक करके रखो ताकि ज्वेलरी ख़राब ना हो और आप उसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सको। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं हमेशा ये इनके पॉली बैग रखती हूँ और इसी में पैक करके रखती हूँ इनको, ताकि इसकी जो शाइनिंग है वो बहुत जल्दी फिर नहीं जाती, तो इस वजह से ये चीज़ ज़रूर याद रखना खासकर अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट पे, नेक्स्ट वाला है हमारा ये वाला सेट, और इसके तो आप प्राइस सुनने के बाद में बोलोगे कि ये तो हमें ज़रूर चाहिए। बस 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 बस, तो नेक्स्ट है ये वाला सेट, ये भी अमेरिकन डायमंड है, और इसके जब मैं आपको प्राइस बताऊंगी ना, मतलब आप, मैं सच में बोल रही हूँ, आप ये बोलने वाले हो कि यार ये तो हमें भी चाहिए, इसका तो लिंक एकदम भेजो ठीक है। तो ये वाला सेट है कुछ इस टाइप से, ये मुझसे बदतमीजी नहीं हो रहा, और तो ये वाला सेट है कुछ इस टाइप से, और इसके इयररिंग छोटे छोटे ही हैं, छोटे छोटे से इयररिंग्स हैं, और इसका मैं आपको प्राइस बताती हूँ, देखो अभी आप प्राइस सुन के चौंक जाओगे इसका। ये बस आपको थोड़ा सा मेरे से अभी अच्छे से टकिन नहीं हुआ ये, क्योंकि ये थोड़ा सा देख के टकिन करना पड़ता है पीछे से, तो ये अभी टकिन नहीं हुआ अच्छे से, बट देखो इसकी शाइनिंग भी आपको दिख रही होगी, अभी वीडियो में पूरी शाइनिंग दिख रही है, मुझे खुद दिख रही है कितना शाइन कर रहा है ये, और है ना, और इसके प्राइस हैं 315 रुपये, ये सिर्फ 315 रुपीज़ का है, तो आप मानोगे मतलब ये इतना प्यारा नेकलेस सेट 315 रुपये में मिलेगा, और इसको तो आप पक्का मंगा के देखना, मतलब 315 रुपये में अगर इतना प्यारा सेट मिल रहा हो तो जरूर मंगाओ यार, जरूर मंगाओ। तो नेक्स्ट जो सेट है वो है ये भी बहुत, ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, हल्का सा सेट है बहुत ही, और इसके इयररिंग्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके इयररिंग्स है ये वाले, ये प्यारे इयररिंग्स है, तो इसको मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसा लगता है, देखो डाल के ये देखिए, ये वाला सेट है ये, और इसके इयररिंग्स है ये वाले, अभी दे, इसके इयररिंग्स से ये वाले, और इसमें ना नीचे जो ये वाले इसमें जरकन है जो भी मतलब अमेरिकन डायमंड है जो इसमें नीचे, इसमें थोड़ा सा येलो कलर है, तो ये थोड़ा सा येलोइश साइड साइड में है, और ये मुझे पड़ा था 635 रुपीज़ का। इसको इसको मैंने थोड़ा सा, इसको ना मैंने कुछ टाइम पहना है, ये मेरा, ये मैंने पहले मंगाया हुआ था और कुछ टाइम पहना है ये मैंने ना, मुझे तब पता नहीं था तो मैंने ये बिना पॉलिथीन के रख दिया था, तो इस वजह से इसका थोड़ा सा डल हो गया कलर, इसी वजह से बोल रही हूँ मैं हमेशा अगर अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी को रखना है तो हमेशा पॉलीथीन में या फिर ज्वेलरी बैग में ही रखना, द
अदरवाइज वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी 635 रुपीज है। अब चलते हैं अगले वाले सेट। तो नेक्स्ट जो सेट है वो है ये वाला, ये भी अमेरिकन डायमंड में है और इसके साथ में अच्छी चीज़ क्या है ना, इसके साथ में आपको टिक्का भी मिलेगा। ठीक है, जो भी मेरे पास अभी तक अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी सेट थे उनके साथ में टिक्का नहीं था, बट इसके साथ में टिक्का भी है। और ये नहीं कि बहुत ही हल्का सा टिक्का है, काफ़ी अच्छा टिक्का है। ये देखो पूरा ऊपर नहीं रुक रहा, अच्छा खासा टिक्का है इसके साथ में। और ये मैं आपको यार ये अभी रोकने के लिए मुझे पिनअप करना पड़ेगा कुछ, वो मैं नहीं करना चाह रही हूँ अभी। ये देखो ये थोड़ा सा टीका मेरे से साइड में हो गया, टीका बीच में नहीं है मेरा भी। ठीक है, ओ भाई समझ लेना बस कैसा है टिक्का, तो वरना मेरे बाल फट जाएंगे अभी। ठीक है, तो ये वाला ज्वेलरी सेट है, ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। ये आप किसी भी इंडो वेस्टर्न के साथ में भी पहन सकते हो और किसी भी इंडियन वियर के साथ भी पहन सकते हो, एथनिक वियर के साथ में पहन सकते हो। इसके ये वाले इयर रिंग्स हैं झुमके वाले, और ये इयर रिंग्स मुझे बहुत प्यारे लगे क्योंकि बहुत रेयर मैंने देखा है कि इसके अमेरिकन डायमंड के साथ में झुमके वाले इयर रिंग्स आ रहे हैं। तो ये मुझे इयर रिंग्स बड़े प्यारे लगे। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा सेट है और इसके साथ में टिक्का भी मिल रहा है, तो और क्या ही चाहिए। मतलब आप टिक्के को पहनो ना पहनो, लेकिन हाँ इसको आप किसी भी तरीके से वियर कर सकते हो, किसी भी चीज़ के साथ, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न और मतलब इंडियन वियर्स, तो एथनिक वियर्स, फेस्टिवल पे, अपना शादी में, प्रोग्राम पे, कहीं पे भी पहन सकते हो। तो ये उस हिसाब से बहुत प्यारा है। और जैसे कि ये इसके साथ में हैवी इयर रिंग्स और टिक्का आता है, तो इसके प्राइस मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसके प्राइस पड़ेंगे आपको, हाँ इसके प्राइस पड़ेंगे 988 रुपीज़। क्योंकि आपको थोड़ा सस्ता भी लेना है तो आप वो वाला सर्च करना जिसमें टिक्का नहीं हो। ठीक है, क्योंकि टिक्के के साथ में टिक्का, यार इसका पता है क्या, अमेरिकन डायमंड जो है ना, एक तो वो महंगा आता है कोई भी अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी हो, और अगर आप उसके साथ में टिक्का वगैरह भी ले रहे हो तो कम से कम ये मान के चलो 300-350 का टिक्का टिक्का होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको कम कर देते हो तो आपको ये 600 के अराउंड पड़ेगा कुछ। ठीक है, हाँ 600-650 के अराउंड पड़ेगा कुछ, तो आप विदाउट टिक्के वाला भी ले सकते हो। और ये बहुत ही प्यारा सेट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बहुत ही एक सिंपल सा सेट है जो कि मैंने, और बहुत ही सस्ता सेट है ये वाला, सबसे सस्ता सेट है ये वाला, एक प्यारा सा ये वाला सेट है। ठीक है, इसका मुझे एक इयर रिंग मिला है अभी, एक इयर रिंग नहीं मिला, तो मैं इसको नहीं, आई थिंक इसका मुझे एक भी इयर रिंग नहीं मिला, ये तो मेरे दूसरे सेट का इयर रिंग है। तो मैं देखो आपको झूठ नहीं बोलूंगी, बट इसके इयर रिंग मुझे मिलेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी, बट ये सेट बड़ा प्यारा है। हाँ इसके इयर रिंग मैं आपको इतना बताती हूँ, इसके इयर रिंग भी इतने छोटे छोटे से ही है। ठीक है, तो अगर मिले तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर। नहीं इसके इयर रिंग्स अब मेरे पास नहीं है, तो जब मुझे मिलेंगे तब दिखाऊंगी। मैं इसको आपको डाल के दिखा देती हूँ। और ये सेट दिए मैं आपको अब बता देती हूँ। हाँ ये सेट लगभग कितने का था, ये सेट लगभग था 150 का, तो उसमें आपके डिलीवरी चार्जेस वगैरह और मतलब, और आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप हर मंथ के संडे में फर्स्ट संडे में शॉपिंग कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा कुछ। और अदरवाइज ये सेट बड़ा प्यारा है, ये देखो ये है ये सेट, तो ये सेट बहुत प्यारा है। और ये देखो बहुत ही अच्छा सेट है ये A1, और ये सिर्फ 150 के अराउंड था। इसके साथ में इयर रिंग्स भी हैं, बट इयर रिंग्स मुझे नहीं मिल रहे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी अभी, सॉरी। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले पे। नेक्स्ट जो है वो भी मैंने अभी ही कुछ टाइम पहले ही मंगाया है, क्योंकि आप वीडियोस में देख रहे होंगे कि मेरा जो गला है वो खाली है, मेरे गले में मेरा मंगलसूत्र नहीं है क्योंकि मेरे बेटे ने वो खींच के तोड़ दिया। तो इस वजह से मैंने ये मंगाया है, और ये भी आप मंगा सकते हो बिल्कुल मीशो से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। सच बताऊं तो मैं सच बोल रही हूँ, ये देखो की क्वालिटी देखो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और ये अराउंड 250 या 224 कुछ इतने का था, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी कितने का था ये। और आपका बच्चा भी अगर आपका मतलब पकड़ के मंगलसूत्र को खींचता है या आपको डर है कि आपका तोड़ देगा, तो बेटर है कुछ टाइम के लिए, इतना बच्चा छोटा है या इतना बच्चा ज़्यादा ही छोटा है, इतने टाइम के लिए आप
आर्टिफिशियल वगैरह डाल लो ताकि आपका टूटे ना, क्योंकि मेरा तो कई बार टूट चुका है और मुझे आई थिंक उसमें चेन वगैरह चेंज करानी पड़ेगी। तो मैंने उस इतने टाइम के लिए ये मंगाया है और ये मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। एक और जगह से मंगाई है मैंने, वो टू का सेट है, टू का सेट तो नहीं, टू अलग अलग मंगाए हैं दो, वो 500 समथिंग के थे और वो मैं आपको दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कहाँ से मंगाए हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वो सच में बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, तो मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगी उनके बारे में। तो अभी के लिए ये देखो, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्यारा मंगलसूत्र है और ये 250 या 224 के अराउंड का था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा है सीरियसली, मतलब कोई बोल नहीं सकता कि ये गोल्ड का नहीं है। तो नेक्स्ट जो मैंने कुछ गर्लिश लुक वाले मंगाए थे, गर्लिश लुक में एक तो ये है, ये विद ईयररिंग मिलेगा कुछ इस टाइप से है ये, ठीक है ये वाला है, और इसमें नीचे ये भी लगे हुए हैं लटकने वाले टेसल्स टाइप कुछ। सो ये वाला कुछ इस टाइप से है, ये इंडियन के साथ में जाएगा बट ये आई थिंक मोस्टली आपको टॉप वगैरह के साथ में, वेस्टर्न के साथ में डालने के लिए ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। और इसके ना ये इयररिंग्स है छोटू छोटू से कुंदन वाले, तो ये भी बड़े प्यारे लगे मुझे छोटू छोटू से इयररिंग्स। ये देखो तो इसका लुक समथिंग इंडो वेस्टर्न है, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो ये बहुत ही मुझे रीजनेबल प्राइस पे मिला है, 264 रुपीज़, 264 रुपये, ठीक है। और ये बहुत प्यारा है, सीरियसली बहुत प्यारा है ये। तो ये भी ये कुछ गर्लिश लुक में था, तो मुझे कुछ चाहिए थे कि जो मैं मतलब सिर्फ लहंगे वगैरह के या फिर फेस्टिवल वगैरह के साथ में ना हो वाले ना हो, बल्कि कुछ गर्लिश लुक में भी हो। तो मैंने कुछ ऐसे मंगाए हैं जो मुझे गर्लिश लुक में मिले हैं और कुछ ऐसे हैं मेरे जो कि मोस्टली फेस्टिवल्स पे, शादी में या फिर किसी फंक्शन में पहन सकती हूँ, तो इस टाइप के हैं। नेक्स्ट जो हमारा गर्लिश लुक वाला है वो है ये भी बहुत ही प्यारा नेकलेस है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, मीशो से गर्लिश लुक वाले अगर आप सेट ले रहे हो, देखो ये है विदाउट ईयरिंग वाला अब, ठीक है। तो अगर आप गर्लिश लुक वाले सेट ले रहे हो तो एक ना जो मैंने उस पर देखा है, एक पेज या फिर कुछ जो भी एक सप्लायर है जो जिसका नाम है अर्जोनई करके कुछ है, और उसके मैंने जितने भी मंगाए हैं प्रोडक्ट, उसके बहुत सही प्रोडक्ट निकलते हैं, बहुत प्यारे प्रोडक्ट निकलते हैं, मतलब बहुत ही ट्रस्टेबल वाला सप्लायर है वो। और मैं मोस्टली देखती हूँ अगर मुझे कुछ भी मंगाना होता है गर्लिश लुक वाला या फिर उनके पास जो भी मतलब प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उनके मंगाती हूँ, क्योंकि उसके मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, उसके अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। तो ये देखो कितना प्यारा है, और इसके मैं आपको प्राइस बताऊँ कितने का था ये, तो ये वाला था 120 रुपीज़ का, और इसके साथ में कोई भी इयररिंग्स नहीं थे। अगर आप फोटो में देखोगे तो आपको ये चेन थोड़ी छोटी मिलेगी, मतलब ये चेन भी थोड़ी सी इतनी टाइट दिखाई हुई है, बस इतनी टाइट दिखाई हुई है, तो आई थिंक वैसा भी आता होगा। लेकिन जो मुझे मिला है वो थोड़ा लॉन्ग चेन वाला है, और इसको आप चाहो तो थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो पीछे से, ठीक है। तो ये इतनी हो जाएगी लगभग, ठीक है। तो ये 120 रुपीज़ का था सिर्फ, और इससे बेटर और क्या चाहिए। है जो कि आजकल बहुत फेमस चल रही है वो है नथ नोज पिन्स, और आउच ये भी मैंने मीशो से मंगाई है, और ये बहुत ही छोटी सी प्यारी सी नोज पिन है, ये देखिए ये बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी नोज पिन है, और आप इसको इजीली ऐसे करके ऐसे करके इजीली डाल सकते हो। मैंने बिना किसी ये मैंने अपनी नोज पिन पहनी हुई है तो थोड़ी सी उठ रही है, अदरवाइज बहुत प्यारी नोज पिन है, ठीक है। और ये मुझे मिली है वो मैं बताती हूँ आपको, 42 रुपीज़ में, बहुत ही प्यारी नोज पिन है ये, कुंदन वाली नोज पिन है, कुंदन की है, और बहुत ही प्यारी सी है छोटी सी, ये देखो। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है वो है ये इयररिंग्स एक्सटेंशंस, अगर आपको भी पसंद है मेरे तरीके से इयररिंग्स डालना, जिसमें कि आप इसको इयररिंग्स को इसमें इयररिंग्स में ये इसको ऐसे डालो, इयररिंग को
कान में डाल के जो पीछे जो वो करते हैं ना, मतलब किस टाइप की इयरिंग बोलते हैं उनको, मुझे नहीं पता इनको किस टाइप की इयरिंग बोला जाता है, बट जो ये ऐसे लगते हैं ना, तो ये एक्सटेंशन अलग से मिल जाते हैं जो कि आप अपने किसी भी इयरिंग में फिट कर सकते हो। तो इस पे फिर पीछे पिन टाइप है एक, और उसको आप अपने हेयर्स पे टक इन कर सकते हो, ये ऐसे आएगा। तो ये भी बहुत प्यारे हैं, और ये एक्सटेंशंस आपको मिल जाएंगे 218 रुपीज़ में, ये भी बहुत प्यारे हैं। तो ये था मेरा पूरा ब्लॉग, और आपको कौन कौन सी ज्वेलरी पसंद आई मुझे ज़रूर बताना, आपको जो चाहिए हो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसको लिंक भेज दूंगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो जो भी आपको पसंद आई हो लिंक के लिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।